मुंडापांडी थाना क्षेत्र के खबरिया बरवला में पूर्व प्रधान के मकान पर योगी बाबा का बुलडोजर चला। आपको बताते चले, पूर्व प्रधान ने ग्राम समाज की जमीन पर अवैध रूप से कब्जा कर मकान बना रखा था, जिसमें योगी सरकार ने अवैध रूप से कब्जा कर मकान बनाने वालों के खिलाफ अभियान चला रखा है और बुलडोजर चलाकर मकानों को क्षतिग्रस्त किया गया और ग्राम समाज की जमीन को खाली कराया गया। मुंडापांडी थाना क्षेत्र के खबरिया बरवाला में पूर्व प्रधान के मकान पर योगी बाबा का बुलडोजर चला। आपको बताते चलें कि पूर्व प्रधान ने ग्राम समाज की जमीन पर अवैध रूप से कब्जा कर मकान बना रखा था, जिसमें योगी सरकार ने अवैध रूप से कब्जा कर मकान बनाने वालों के खिलाफ अभियान चला रखा है और बुलडोजर चलवाकर मकानों को क्षतिग्रस्त किया जा रहा है। ग्राम समाज की जमीन को खाली कराया जा रहा है, जिसमें खबरिया बरवाला खास गांव के 6 व्यक्तियों ने अवैध रूप से ग्राम समाज की जमीन को कब्जा कर लोगों ने अपना मकान बना रखा था, जिसमें सरकार के दिशा निर्देशों के अनुसार अवैध रूप से ग्राम समाज की जमीन पर मकान बनाने वालों को SDM द्वारा नोटिस चस्पा कर दिया गया, जिसमें नोटिस चस्पा करने के बाद भी ग्राम समाज की जमीन पर बने मकान को खाली नहीं किया गया, जिसमें प्रशासन ने भारी पुलिस के साथ मौके पर पहुंचकर पूर्व प्रधान और अन्य ग्राम समाज की जमीन पर गांव के व्यक्तियों ने अवैध कब्जा कर मकान बना रखा था। उन जगहों पर बुलडोजर चलाकर मकानों को तोड़वाया गया और ग्राम समाज जमीन को खाली कराया गया। नव निर्वाचित ग्राम प्रधान रिजवान अली ने जानकारी देते हुए बताया कि गांव के कुछ व्यक्तियों ने ग्राम समाज की जमीन पर अवैध कब्जा कर वहां पर अवैध निर्माण कर रखा था। प्रशासन के नोटिस चस्पा करने के बाद भी ग्राम समाज की जमीन को खाली नहीं कराया गया, जिसमें SDM और भारी पुलिस बल की मौजूदगी में ग्राम समाज की जमीन को बुलडोजर चलवाकर बने अवैध रूप से मकानों को छुड़वाकर खाली कराया गया। मामला क्या हुआ, सरकार द्वारा ये वो चल रहा है अभियान पूरे उत्तर प्रदेश में जी, जिन लोगों ने नजायज कब्जे कर रखे उन कब्जों को मुक्त किया जा रहा है जी। मेरे ग्राम पंचायत खबरिया भूल में भी था एक ऐसे मामला, जिसमें SDM सदर मुरादाबाद साहब ने जो है उसकी जाँच करा के उनको नोटिस दे दिए गए सरकार द्वारा उसे खाली करने के लिए। 14 तारीख को नोटिस दिया था, 3 दिन का टाइम दिया था, जिसमें वो आज तक खाली नहीं कर पाए। आज SDM सदर और तहसीलदार साहब और पुलिस प्रशासन टोटल आन के उसको जो है घिरा के गया है। कितने घर थे? लगभग 6 लोग थे, 6 लोगों को नोटिस थे। किस किस के घर थे, क्या नाम है उनका? मुर्तजा सन ऑफ मुस्तकीम, अनवार सन ऑफ मुस्तकीम, राशिद सन ऑफ मोहम्मद वारिस और हसमत अली दूल्हा कलवा में। अच्छा, और कुछ बाकी और भी रह गए? और बाकी रह गए हैं, आपको टाइम नहीं था, वो वार्निंग दे गए हैं, खाली कर लेना नहीं तो फिर किसी दिन। इसमें पानी की जल निगम को दे दी गई है, जल निगम टंकी लगा गया। जानकारी के अनुसार जो बाकी मकान रह गए हैं उनको भी जल्द प्रशासन तोड़वा कर उस जगह को भी खाली करवाया जाएगा।